हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 कट ऑफ एंड इसके पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कि हम हर एक चीज को जाने, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के बाजू में आपको दिख रहा होगा क्या बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर दें, दबा दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और हाँ जी फ्रेंड्स, वीडियो आते ही पसंद तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम न लेते हुए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, जिसमें हम देखने वाले हैं कट ऑफ। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम कट ऑफ को जाने, कुछ बेसिक जानकारी लेना आवश्यक है कि कैसा क्या था। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर टोटल वैकेंसी की संख्या कितनी थी, पद कितने थे। फ्रेंड्स आपको पता होगा 11,880। जी हाँ फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 11,800 पद आपके यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल के थे। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या आता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों टोटल फॉर्म की, आखिरकार टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं। तो फ्रेंड्स आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, यहाँ पर टोटल फॉर्म्स 12,65,000। जी हाँ दोस्तों, 12.65। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप देखेंगे कि अटेंडेंस उपस्थिति कितनी रही। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि यहाँ पर उपस्थिति की बात करें तो यहाँ पर 75% उपस्थिति आप लोगों की रही अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर। एंड इस प्रकार से बात करते हैं इंडिया फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि है क्या पेपर का लेवल, कि आखिरकार पेपर का लेवल लास्ट ईयर की अपेक्षा क्या रहा इस बार के पेपर में। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, चूंकि आपने पेपर दिया है तो आपको बेहद अच्छे तरीके से पता होगा, कहने की आवश्यकता नहीं कि इस बार का पेपर आपका इजी बिल्कुल नहीं था। आप यहां पर इजी नहीं बोल सकते आपके पेपर को, यहां पर आपका पेपर था क्या, मॉडरेट टू हार्ड। जी हाँ दोस्तों, या फिर मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ना कि आपका इजी। तो दोस्तों ये सब थी बेसिक जानकारी जो मैंने आपको दी। अब हम देखते हैं कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, देन इन सभी को देखने के बाद हम डिसीजन लेंगे कि आखिरकार आप लोगों का कट ऑफ क्या जा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में। जब से सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर में क्या गया था कट ऑफ 2017 में। तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है यूआर कैटेगरी थी, बीसी थी और आपकी बीसी थी, एससी एंड एसटी, इन सभी का आपको यहां पर दिख रहा होगा क्या, मेल और फीमेल दोनों का। फ्रेंड्स बात करते हैं यूआर की, तो दोस्तों यूआर का गया था लास्ट ईयर में 79 मेल का, और इसी प्रकार से फीमेल का गया था 68। एंड बात करते हैं किसकी, ईबीसी की, तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं मेल का गया था 71 और फीमेल का गया था कितना, 56। इसी प्रकार से बात करते हैं नेक्स्ट जो कि आता है बीसी, तो फ्रेंड्स बीसी का गया था कितना, 73 और आपके फीमेल का गया था 58। इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स बात करते हैं किसकी, एससी की, तो एससी का गया था मेल का 66 और आपका फीमेल का गया था 49। इसी प्रकार से नेक्स्ट बात करते हैं एसटी, तो दोस्तों आपको यहाँ पर एसटी का दिख रहा होगा मेल का 52 एंड इसी प्रकार से फीमेल का दिख रहा होगा क्या, 36। तो डिफरेंस आपने यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पे बारी बारी से हर एक कैटेगरी का कट ऑफ देख लिया है, चाहे फिर यूआर हो, ईबीसी हो, बीसी हो, एससी हो, एसटी हो। तो डिफरेंस अब इन सभी चीजों को देखने के बाद कि आखिर आप लोगों का क्या कट ऑफ जा सकता है, अब हम वो देख लेते हैं। हाँ तो डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, और बात कर लेते हैं कि सर इस साल का कितना जाएगा कट ऑफ, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, इस साल का कट ऑफ आपका, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यूआर कैटेगरी का, मेल और फीमेल दोनों का। तो डियर फ्रेंड्स हर एक चीज को एनालिसिस करने के बाद, आपके कमेंट्स को देखने के बाद, यदि आप कमेंट दोस्तों ला रहे हैं कितने मार्क्स, यदि आप यूआर कैटेगरी से मार्क्स बना रहे हैं फ्रेंड्स कितने, मेल के लिए 65 से लेकर कहां तक आपके मार्क्स होने चाहिए, 72 के बीच। यदि आपका इतना स्कोर आ रहा है तो आपका स्कोर बिल्कुल गुड स्कोर है, आपके फुल चांस है, आपका सिलेक्शन डन है। इसी प्रकार से बात कर लेते हैं किसकी, फीमेल की। तो फ्रेंड्स यदि आपके फीमेल कैटेगरी से मार्क्स आ रहे हैं कितने, 42 से लेकर कहां तक आपके मार्क्स आ रहे हैं, 45 के बीच। तो डिफेंस आपका स्कोर गुड स्कोर है, आपका सिलेक्शन 101% होने वाला है, आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं। अब दोस्तों यदि आपसे कोई बोल रहा है कि यहाँ पर आपका 80 कट ऑफ जाएगा, तो बिल्कुल 100% रॉन्ग होने वाला है, इतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा आपको वहां पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा फ्रेंड्स,
और वो भी कितनी संख्या में, आपको पता होगा 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यदि आप 11,880 का काउंट करेंगे 5 गुना, तो दोस्तों आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी करीबन 59,400 के समथिंग। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ वैल्यू आएगी, आप काउंट कर लेना, बट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग ज्यादा ऐसा ना सोचें कि आपका कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने वाला है। एक रीजन तो जे रहा, देन इसके बाद एक रीजन जे भी है कि आपका दोस्तों लास्ट ईयर का कट ऑफ भली थोड़ा हाई गया था, बट इस बार से आपको पेपर मॉडरेट दिखा है, मॉडरेट टू हाई, ना कि इजी। इस रीजन में भी आप लोगों का कट ऑफ कम ही रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि आपका इतने स्कोर आ रहा है, तो आपका स्कोर गुड स्कोर है, बेस्ट स्कोर है, आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% होने वाला है ना। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अगली कैटेगरी का कट ऑफ की आखिरकार ईडब्ल्यूएस का कितना जा सकता है। जैसे कि फ्रेंड्स पता होगा, ईडब्ल्यूएस अभी तक तो नहीं थी, अभी लास्ट ईयर में जब तक आप लोगों का लास्ट ईयर का एग्जाम हुआ था तब यह कैटेगरी नहीं थी, लेकिन अब यह कैटेगरी आ गई है, तो इसका कट ऑफ क्या रह सकता है, तो अब हम वो देख लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप बिहार पुलिस एग्जाम में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मार्क्स लेके आ रहे हैं कितने, जी हाँ दोस्तों, यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं करीबन 64 से लेकर कहाँ तक, जी हाँ दोस्तों, यदि आप स्कोर गेन कर रहे हैं आपके 68 के बीच, तो फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन भी बिल्कुल डन है, आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं, आपके लिए बेहद अच्छा चांस है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे नेक्स्ट लेवल के लिए, फिजिकल के लिए। इसी प्रकार से हम यहाँ पर फीमेल का भी देख लेते हैं कि आखिरकार फीमेल के लिए कितने मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स बात करें फीमेल की, तो फीमेल के लिए दोस्तों यहाँ पर करीबन मार्क्स आने चाहिए 40 से लेकर कहाँ तक, 42 के बीच। यदि आपका इतना स्कोर आ रहा है, तो आपका सिलेक्शन भी डन है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि इतना स्कोर है, तो आप तैयारी कीजिए अपने फिजिकल की। एंड इस प्रकार से बात करते हैं अब नेक्स्ट, जो कि है क्या, ओबीसी कैटेगरी। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आपका कितना मार्क्स लाना अनिवार्य है। फ्रेंड्स आपके यदि मेल है, तो मेल से आपके नंबर होने चाहिए करीबन 60 से लेकर कितने, जी हाँ दोस्तों, 65 के बीच। यदि आपका इतने स्कोर है, तो आपका स्कोर बिल्कुल गुड स्कोर माना जाएगा, आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं, बड़े आराम से आप क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट फेज फिजिकल के लिए। देन इसके बाद बात करते हैं क्या कि सर फीमेल का क्या जाएगा ओबीसी से। तो फ्रेंड्स यदि आप ओबीसी से हैं और फीमेल हैं, तो आपके मार्क्स मिनिमम होने चाहिए कितने, 37 से लेकर कितने, आपके 40 के बीच। जी हाँ फ्रेंड्स, 37 से लेकर 40 के बीच यदि आपके नंबर आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन भी डन है, किसमें, आपके बिहार पुलिस एग्जाम में। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है एससी कैटेगरी। तो फ्रेंड्स बात करें एससी की, तो हम सबसे पहले देखते हैं फीमेल मेल का क्या कि आपके यदि आप मेल हैं, तो बिहार पुलिस एग्जाम में आपके मार्क्स कितना आना अनिवार्य है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप एससी कैटेगरी से मेल हैं और आपके मार्क्स बने हैं कितने, 53 से लेकर कहाँ तक, जी हाँ दोस्तों, आपके मार्क्स आ रहे हैं 55 के बीच। इतना यदि आपका स्कोर है, तो आपका स्कोर बिल्कुल गुड स्कोर है, आपका सिलेक्शन भी डन है। एंड इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं कि सर फीमेल का क्या जाएगा एससी कैटेगरी से। तो डेफेंस आपको बता दें, यदि आप फीमेल से बिलोंग करते हैं और आपका मार्क्स है कितना, 31 से लेकर कहाँ तक, 34 के बीच, तो फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन भी डन है, आप बिल्कुल नेक्स्ट फेज के लिए सिलेक्ट हो ही गए हैं, फिजिकल की आप तैयारी करें। इसी प्रकार से लास्ट बात कर लेते हैं क्या एसटी कैटेगरी की। तो डेफेंस यदि आप एसटी से बिलोंग करते हैं और बिहार पुलिस एग्जाम आपने दिया है, तो फ्रेंड्स आपके नंबर करीबन होने चाहिए मेल कैटेगरी से कितने, 48 से लेकर कहाँ तक, आपके मार्क्स होना चाहिए करीबन 52 के बीच, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा, इतने मार्क्स होना अनिवार्य है। एंड इसी प्रकार से बात करते हैं कितने, किसके लिए, फीमेल के लिए। तो फ्रेंड्स यदि आप फीमेल से बिलोंग करते हैं और आपकी कैटेगरी है क्या एसटी, तो दोस्तों आपके मार्क्स होने चाहिए करीबन 30 से लेकर कहाँ तक, 33 के बीच। हाँ यदि आपका इतने स्कोर है, तो बिल्कुल बेझिझक आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी करें, आपके फिजिकल की तैयारी करें, आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं। तो दोस्तों आपने जाना कि मैंने यहाँ पर वन बाय वन करके हर एक कैटेगरी का डिस्कस कर दिया है, चाहे फिर वो आपका यूआर हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर हर एक चीज का जान लिया। अब एक सबसे बड़ी बात, जो कि सबसे बड़ा डाउट बना हुआ है, मेरे पास डेली कमेंट्स आते हैं, क्या सर हम लोगों का पेपर कैंसिल हो गया है, क्या हम लोगों का पेपर कैंसिल हो जाएगा, राज्यपाल से न्यूज मिल रही है, जे मिल रही है, वो मिल रही है, चैनल पे बहुत से नोटिस वायरल हो रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए बता दूं, यह सब बातें बिल्कुल फ्रॉड हैं, फेंक हैं, गलत हैं।
आपका पेपर किसी भी एनी हाउ कंडीशन में कैंसिल नहीं होने वाला। आपका पेपर हो गया है, आपका पेपर अब दोबारा नहीं होगा। ये मैं बात बोल रहा हूँ किसकी, 12 तारीख वालों के लिए, है ना, कि आप लोगों का पेपर हो गया है, आप लोग इस भपके में ना रहें कि अब आपका पेपर फिर से ले लिया जाएगा। बात जरूर है कि जिनके कम मार्क्स आए हैं, जिनका पेपर बिगड़ गया है दोस्तों, वो तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं गॉड से कि हाँ प्रभु हमारा पेपर फिर से हो जाए। बट डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला, पेपर नहीं होगा, क्योंकि यही ऐसा कोई अभी नोटिस जारी नहीं हुआ है कि आप लोगों का पेपर दोबारा से होगा। इसलिए यहाँ पर बिल्कुल 0% संभावना है कि आप लोगों का पेपर दोबारा से होगा। तो आप लोग ऐसे कमेंट्स ना करें कि सर पेपर कैंसिल हो गया है, पेपर आपका कैंसिल बिल्कुल नहीं हुआ है। यदि आपको कोई न्यूज़ भी दे रहा है तो बिल्कुल फेक न्यूज़ दे रहा है। तो ओके डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में रहने देते हैं इतना ही। यदि वीडियो आई हो पसंद तो उसको लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।